ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਇਸੀ ਦੇ ਬਣੇ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਦੇ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰੀਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਛੇ ਛੇ ਸੱਤ ਸੱਤ ਦਸ ਦਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਈਵਨ ਕਿ 12 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ। एक गल हुंदी है कि जिहड़े बच्चे जिहड़े पेरेंट्स इन्नी मेहनत दे नाल इन्ने पैसे जिहड़े आ उह इकट्ठे करके बच्चे नूं बाहर भेजण दी कोशिश करदे ने, एक वारी रिफ्यूजल आई, दो वारी आई, चार वारी आई, बच्चे दा किते ना किते जिहड़ा है उह मेंटली भी जिहड़ा बच्चा डिस्टर्ब हुंदा, बच्चे नूं इन्ना हुंदा यार शायद मेरी किस्मत ही माड़ी है कि मैं जिहड़ा बाहर जा ही नहीं सकदा, इदां दे बच्चां नूं फिर किदां तुसीं टैकल करदे? सो इक बच्चा जिहनूं कैनेडा तों रिफ्यूजल तों बाद कलसन उहनूं इह कह रहा तुहानूं सिंगापुर भेज दांगे, सिंगापुर दी ऑफर लेटर लैक हुंदा पिआ, असीं उहनूं कहिंदे सानूं तूं इक वारी रिफंड ना अपलाई कर, असी तेरी उसी कॉलेज ऑफर लेटर तेन रीलॉन्च करके देने, तो असी रीलॉन्च किया सू 16 दिन वीज़ा आ गया। तो कैनेडा समझ लो कैनेडा सरकार वीज़े बहुत दे रही है, कैनेडा गवर्नमेंट वीज़े के उत्ते बहुत सुपर फास्ट है, बहुत सारे बच्चे आईलैट्स 6 बैंड लै लेंगे, कॉलेज भी सरकारी होंगे फिर वीज़ा रिफ्यूज होंगे, क्यों फाइल में सही तरीके प्रजेंट नहीं किया। सर जी गल सामने आ रही है बहुत वायरल हो रही है गल कि तुसी जिहड़ा डॉक्टर बन गए हो हुण बैठे बैठे ना, मतलब तुसी बच्चों नूं बाहर भेजदे हो ते हुण तुसी डॉक्टरी दा काम शुरू करता? डॉक्टर तां इसी दे बने कि रिफ्यूजलां दे, हुंदा की पिया है कि 2022 दे विच सानूं इदां समझ च आ गई, 2021 दे जिहड़े जिहना लोकां ने वीज़ा अपलाई कीते सी या उह बच्चे जिहड़े 2022 च वीज़ा अपलाई करके बैठा सी उहनां दी रिफ्यूजल आई आ, रिफ्यूजलां दा कारण कोई नहीं लभ रिहा, बच्चे कह रहे रीअपलाई करी जा रहे, रीअपलाई करन नाल की हो रिहा फिर रिफ्यूजल हो रहा, तुसी रीअप्लाई करी जाओ रिफ्यूजल खाई जाओ। सानू यह समझ आया कि जब तक तुसी रिफ्यूजल का रीज़न नहीं लभोगे तुहानू वीज़ा द्वारा नहीं मिलना, और असी दो दो चार चार पाँच पाँच छे छे सात सात दस दस रिफ्यूजल ईवन कि 12 रिफ्यूजल से वीज़ा लेता। हूँ जो साढ़े को रीसेंटली वीज़ा है 12 रिफ्यूजल से वीज़ा आया, सोचो 12 रिफ्यूजल किसी बच्चे की आई हूँ उनका कितना नुकसान होया होगा, किन्ने पैसे खराब हुए होने, कितनी बार आईलैट्स दिता होना, कितनी बार आईलैट्स क्लीयर होने बाद उनका रिजल्ट आया होना, उस तो बाद जाके असी वीज़ा हासिल कर रहे हैं, क्योंकि सानू एक समझ आ गई कि कैनेडा वीज़ा दे बहुत रहे है पर हर एक बच्चे का नहीं दे रहा, और सानू ये चीज़ समझ आई कि प्रोफाइल में तुसी वीज़ा अपलाई करना, कि प्रोफाइल का वीज़ा अपलाई नहीं करना। तुसी देखो दिसंबर मंथ ही 231 वीज़े साढ़े हासिल हुए हैं, और 231 के विचों साढ़े को 109 बच्चे वो से जिन्हों का दो बार तो ज़्यादा रिफ्यूज थे, तो यह समझ आ गया ना कैनेडा वीज़ा दे रहा है। हुण सवाल है कैनेडा वीज़ा दे किन्हां नूं रहा है, रिफ्यूजल नूं दे रहा है, हाँ जी बिल्कुल रिफ्यूजल नूं दे रहा है, बट रिफ्यूजल का कारण समझना बहुत जरूरी है, असी रिफ्यूजल का कारण समझ गए, असी उन्होंने हुण रीअप्लाई कर रहे हैं, सानू वीज़े मिल रहे हैं, तो लोग कितने ना कितने इस चीज़ का कह रहे कि रिफ्यूजल डॉक्टर है, पर साडा कारोबार बड़ा क्लीयर है कि साडा काम है वीज़े तक पहुँचाना बच्चे। सर एक गल हुंदी है कि जिहड़े बच्चे जिहड़े पेरेंट्स इन्नी मेहनत दे नाल इन्ने पैसे जिहड़े आ उह इकट्ठे करके बच्चे नूं बाहर भेजण दी कोशिश करदे ने, एक वारी रिफ्यूजल आई, दो वारी आई, चार वारी आई, बच्चे का कितने ना कि जो मैंटली भी जो बच्चा डिस्टर्ब हों, बच्चे इन्ना हों यार शायद मेरी किस्मत ही माड़ी है कि मैं जरा बाहर जा ही नहीं सकता, इदा के बच्चे ने फिर कितना टैकल कर? देखो सर साढ़े को जो जनवरी मंथ के गल करो, हमने हाले 11 जनवरी अज असी इन्हों 11 दिनों दो चार वीज़े इस तरह के हासिल कर ले जिन्ह दियाँ किसी होर कंट्री तो ऑफर लैटर आई हुई, यानी उन्होंने पहला कैनेडा का वीज़ा रिफ्यूज़ होया, उन्होंने फिर ट्राई किया फिर रिफ्यूज़ हो गया, किसी होर ने कहा कि तुम ना किसी होर कंट्री का अपलाई कर लो, उन्होंने दूजी कंट्री ऑफर लेटर तो मंगा लिया, असी कहने सानू एक मौका दे दो क्यों ना असी तुहाडी फाइल नू रीलॉन्च करके वीज़ा दवा सकते हैं, उन्होंने साढ़े ते ट्रस्ट किया, सानू अपने टीम के उत्ते पूरा, क्योंकि कितना कितने टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, सानू अपनी टीम से पूरा कॉन्फिडेंस है, असी उस केस नू रीलॉन्च किया वीज़ा लैता। सोचो एक बच्चा जिन्हों कैनेडा तो रिफ्यूजल तो बाद कलसन उन्होंने यह कह रहा तुम सिंगापुर भेज देंगे, सिंगापुर की ऑफर लेटर लैक घूमता पे है, असी उन्होंने कहने सानू एक बार रिफंड ना अपलाई कर, असी तेरी उसी कॉलेज ऑफर लेटर तेनों रीलॉन्च करके देने, तो असी रीलॉन्च किया सानू 16 दिन वीज़ा आ गया। तो कैनेडा समझ लो कैनेडा सरकार वीज़े बहुत दे रही है, कैनेडा गवर्नमेंट वीज़े के उत्ते बहुत सुपर फास्ट है, बट गल है कि तुसी एलिजिबल होने चाहिए हो, तुसी फाइल नू सही तरीके ने प्रजेंट कर सकते हो,